नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आज के इस वीडियो में। चलिए कंपेयर करते हैं, आज हम लोग वैट 69 और 100 पाइपर ब्लेंडेड स्कॉच व्हिस्कीज का। सबसे पहले एक बार जरा ये दिखा दूँ आपको, काफ़ी प्रीमियम सा कवर आता है 100 पाइपर्स पर और वैट 69 नॉर्मल कार्डबोर्ड में आता है, बट अच्छा प्रीमियम लुक है। सबसे पहले अगर सिमिलैरिटी की बात करें तो दोनों ब्लेंडेड स्कॉच विस्की है, लेकिन दोनों की बॉटलिंग इंडिया में होती है, दोनों बॉटल्ड इन इंडिया है। इसको आप ऐसे समझिए, दोनों का दोनों जो विस्की है ये कम्प्लीटली बनाने से लेकर के ब्लेंडिंग और उसके बाद एजिंग, ये सारा चीज स्कॉटलैंड में होता है, फिर वहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर के आता है इंडिया में और बॉटलिंग इंडिया में हो रही है। तो ये रही सिमिलैरिटी की बात, दोनों का दोनों सेम ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे आता है और दोनों बॉटल इन इंडिया है, स्कॉच विस्की, ब्लेंडेड स्कॉच विस्की। अभी मैंने इसको जस्ट अभी पोर किया है, थोड़ा एक्चुअली मैं स्मेल करने के पहले और टेस्ट करने के पहले 2-4 मिनट टाइम देना चाहता हूँ, तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए मैंने पहले ही पोर कर लिया। तो इसमें मैंने लिया है 100 पाइपर्स और इसमें है वैट 69। आई थिंक कुछ 4-5 मिनट हो चुका है, तो एक बार चलिए स्टार्ट करते हैं पहले 100 पाइपर्स से कैसा स्मेल करता है। सबसे पहले जैसे ही इसको स्मेल करते हैं, एक काफ़ी वुडी वुडी टेस्ट में स्मेल आता है। ये जो एजिंग के टाइम पे जो ओक वुड के कास्क में रखा जाता है उसका बहुत प्रोमिनेंट स्मेल आता है इसमें। इसके अलावा कुछ फ्रूटी फ्लेवर्स है, काफ़ी स्वीट सा फ्लेवर है। आई थिंक इसमें हनी और कुछ वनीला टाइप का भी फ्लेवर आ रहा है, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ओके, अब इसके बाद वैट 69 का नंबर। काफ़ी डिफरेंट टेस्ट है, सॉरी स्मेल है, थोड़ा स्पाइसी स्मेल है। आई थिंक इसमें 100 पाइपर्स काफ़ी वुडी स्मेल आ रहा था, इसमें वैसा ज़्यादा वुड का स्मेल नहीं आ रहा है, स्मोक की भी नहीं कह सकते हैं, थोड़ा ड्राई फ्रूट टाइप का स्मेल आता है इसमें। यस, और काफ़ी स्वीट स्मेल आ रहा है इसमें भी। आई थिंक टेस्ट के टाइम में पता चलेगा, कुछ हनी वगैरह होना चाहिए। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें, जो प्रोमिनेंट डिफरेंस है वो ये काफ़ी वुडी और थोड़ा फ्रूटी टाइप का और थोड़ा वनीला टाइप का इसमें स्मेल मिला मेरे को, और इसमें ज़रा ड्राई फ्रूट्स का स्मेल आ रहा है और थोड़ा कैरामेल टाइप का भी स्मेल है। ओके, अगर कलर की बात करें तो आई थिंक वैट 69 कुछ थोड़ा ज़्यादा डार्क लग रहा है 100 पाइपर से, हालांकि इन दोनों में जितना मुझको पता है कुछ आर्टिफिशियल कलर भी जरूर मिक्स किया जाता है। वैट 69 थोड़ा ज़्यादा डार्क है, ये थोड़ा लाइट है वैट 69 से। चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट के लिए, सबसे पहले 100 पाइपर्स को।
काफ़ी वूडी टेस्ट है, जैसा मैंने बताया स्मेल के टाइम में थोड़ा फ्रूटी टाइप का, थोड़ा वनीला का टेस्ट और स्वीट टेस्ट है, आई थिंक हनी का स्वीटनेस है। जब अंदर जाता है हल्का सा बर्न भी है अल्कोहल का आफ्टर, और काफ़ी भरा भरा सा फील होता है आपको। एक छोटा सा और लेते हैं, बहुत अच्छा आफ्टर इफेक्ट काफी अच्छा है। यस, स्वीट है, काफी वुडी है, थोड़ा फ्रूटी है, थोड़ा वनीला फ्लेवर या थोड़ा स्वीटनेस ऐसा फील होता है। चलिए जल्दी से जरा पानी पीते हैं, फिर इसको टेस्ट करते हैं। ओके, अभी वैसे नहीं, काफी स्पाइसी टेस्ट है इसका, थोड़ा पेपरी भी है। वैसे अल्कोहल का बर्न ऐसा कुछ फील नहीं हुआ इसमें, लेकिन जो एक एज विस्की का टेस्ट होता है वैसा नहीं आ रहा है, थोड़ा इमेच्योर विस्की वाला टेस्ट है। 100 पाइपर का टेस्ट थोड़ा सा ओल्ड विस्की के जैसा, थोड़ा ज़्यादा एज विस्की के जैसा था, इसका थोड़ा यंग विस्की वाला टेस्ट है वैट 69 में। वैट 69 में एक और डिफरेंस है, जो भी मैं नोट्स आपको बता रहा हूँ कि ड्राई फ्रूट्स या फिर कुछ स्पाइसेस का, बट वो उतना प्रोमिनेंट कुछ समझ में नहीं आता, थोड़ा सा फ्लैट टाइप का इसका टेस्ट है। 100 पाइपर का टेस्ट में जो भी नोट्स आपको मिलेंगे वो काफ़ी प्रोमिनेंट मिलेंगे, ये डिफरेंस है। एक छोटा सा पॉइंट लेता हूँ, थोड़ा पेपरी है, स्पाइसी है, स्वीट ये भी है, बट मेरे को 100 पाइपर ज्यादा स्वीट लगा। इसका टेस्ट थोड़ा सा पेपरी है, बाकी ज्यादा डिफरेंट नोट्स आपको समझ में नहीं आता है। चलिए मैं वीडियो के लास्ट में पहुंच चुका हूं, वर्डिक्ट की बात करता हूँ। देखिए दोनों के दोनों ऑलमोस्ट सेम टाइप के प्राइस में आते हैं, दोनों ब्रांडेड स्कॉच विस्की है, बहुत सिमिलैरिटी है दोनों में। पर्सनल चॉइस की अगर मैं बात करूँ खुद के अपने पर्सनल चॉइस की, तो अभी इस टाइम पे पीने में मेरे को 100 पाइपर ज़्यादा अच्छा लगा, थोड़ा स्वीट टेस्ट आ रहा था और वूडी टेस्ट मेरा पर्सनल फेवरेट है स्पेशली स्कॉच विस्की में, तो वो वुडी टेस्ट के चलते भी ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को। ये थोड़ा पेपरी है, थोड़ा स्पाइसी है वैट 69, लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये आफ्टर इफेक्ट में ज़रा आपको बाद में एक अल्कोहल का बर्न भी मिला, जो कि वैट 69 में नहीं मिलता है। एक बात मैं पहले भी कहता आया हूँ और भी किसी वीडियो में मैंने कहा है कि वैट 69 एक ऐसा विस्की है कि आप किसी को ऑफर कर सकते हैं, कहीं से आपको कोई बहुत बुरा फीडबैक नहीं मिलेगा, और
कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है भी नहीं इसमें बताने के लिए कि इसका इस तरह का टेस्ट या उस तरह का टेस्ट है, तो वो एक है बहुत बैलेंस बनाया हुआ है, तो किसी को बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं लगेगा, कोई इसको बहुत बेकार नहीं बोल सकता है। हंड्रेड पाइपर में क्या है कि अगर किसी को वुडी पसंद नहीं है अगर फ्लेवर तो उसको अजीब लग सकता है, थोड़ा सा स्वीट ज़्यादा है तो किसी को वो पसंद नहीं हो सकता है, तो ये डिफरेंस है। एक बार मैं दोनों में थोड़ा थोड़ा पानी मिला करके और जस्ट एक मिनट में आपको बता देता हूँ कि पानी मिलाने के बाद किसका टेस्ट बेटर है। आई थिंक पानी मिलाने के बाद नॉर्मली आई डोंट लाइक वाटर, बट ये ठीक ठाक टेस्ट कर रहा है और कोई बिटरनेस या इस टाइप का कुछ आया नहीं पानी, जो भी नॉर्मली आ जाता है। दैट्स इट नहीं, ये मैंने पहले भी जब वेट स्टैंड के रिव्यू में मैंने बताया है, पानी मिलाने के बाद इसका टेस्ट ऑलमोस्ट फ्लैट हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है। आई डोंट रिकमेंड कि इसको आप पानी के साथ, इसको आप जस्ट अगर थोड़ा सा जो पेपरी और उस टाइप का अगर आपको फीलिंग है तो आप थोड़ा आइस मिला करके उसको सब्स्टिट्यूट करके आप आइस के साथ पी सकते हैं। पानी मिला के मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। इसका टेस्ट पानी के बाद भी आई थिंक बेटर लग रहा है, नॉर्मली आई डोंट रिकमेंड पानी। चलिए तो ये कंप्लीट हुआ वीडियो रिव्यू, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। स्टे ट्यून्ड अगले वीडियो के लिए, मिलते हैं फिर, या तो विस्की पे चर्चा करेंगे या फिर म्यूजिक पे चर्चा करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।